इस वाले स्मार्टफोन के अंदर 6 कैमरा हैं। ये अभी तक का सबसे तगड़ा कैमरा स्मार्टफोन ऐसा मैंने पढ़ा। ये इंडिया मिलता नहीं है, हमने बाहर से मंगाया। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो चंदन बना रखा है और यहाँ पे मैजिक 4 ये 4 बार जादू करके दिखाएगा उसके बाद फेल। मेरे को पता है यार ये सब जादू वादू बस हाथ की सफाई है। पर इस वाले स्मार्टफोन के अंदर काफी एक्साइटिंग नई नई कैमरा में चीजें ट्राई करी हुई, तो हम भी देखते हैं क्या क्या निकलता है। ये क्या दे रखा है? मैं ना ऐसे देख रहा था, मेरे को एक सेकंड के लिए डिस्प्ले हाथ में आ गया। ये हमारा स्मार्टफोन, इसको खोल के देखेंगे। ये दाल में कुछ काला है, इसमें सफेद में कुछ काला है। कोई सेंस है इस बात का? कवर में भाई जैसे कि देख सकते हो लेदर फील है यार। ये आपने वो देखे होंगे ना बैकलेस वाले, या नहीं देखे होंगे? ये साइडलेस है, टी शर्ट में अगर साइड गायब हो जाए ना वही है ये। ये सिम इजेक्टर में भैया भाई, इसमें भी तिल लगा दिया बीच में। यूएसबी टाइप सी वाली ईयरफोन है तो मतलब ऑफ कोर्स एक चीज मिसिंग होगी, 100 वाट का चार्जर। 100 वाट का ना मतलब ऐसा मजाक सा लगता है कि हाँ हर दूसरे फोन में आ रहा 100 वाट का चार्जर। ये है ऑनर का नया मैजिक 4। दोस्तों इसमें जैसे कि आप नोटिस कर पाओगे कि कैमरा नहीं कैमरे, फ्रंट में भी 2 कैमरे लगा रखे हैं ऊपर की तरफ। कैमरों के बीच में सेंसर भी है भाई। मैंने काफी सारे फोन ट्राई करे हैं जो गेमिंग फोन होता है ना भारी भारी, भाई उसके जैसा लग रहा है। यहाँ पे नाम लिखा है और सारी जो जन्म पत्री थी सब यहाँ पे लिखी है। सही लग रहा है फोन, मतलब पकड़ने में काफी डिफरेंट सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कैमरा ही है जिसमें थोड़ा फोन लगा दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई, पूरी गोल्डन फील दे रखी है। इधर लेफ्ट राइट राइट पाइप और ब्लोटवेयर की अगर आप बात करोगे तो इसमें ब्लोटवेयर ही है। ऐप तो इसमें कहाँ डाली गई है, गूगल ऐप तो है ही नहीं। मतलब UCAP कुनार ट्रेवल जिंगपिंग जितना कचरा हो सकता था सब। मैं सही बताता हूँ मेरे को ना कोई फर्क नहीं। हमको देखना कैमरे में फोटो बढ़िया आएगी नहीं। बैक साइड में अगर आप नोटिस करोगे 100x लिखा हुआ है, मतलब दूसरी बिल्डिंग में अंकल किसकी पिटाई कर रहे हैं पता हम करेंगे। बैटरी इसमें 4600 mAh है, 100 वाट की चार्जिंग है, तेजी से हो जाएगा चार्ज। इतने बड़े फोन में बैटरी भारी भरकम दी जा सकती थी। वायरलेस अगर करने आना 50 वाट का लग जाता। बैक साइड में एक्चुअली पता नहीं आपको क्या लगेगा दिख के, बट ये ग्लास नहीं है, ये सेरेमिक है, तो ये एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग भी और काफी डिफरेंट सा फील होता है भाई पकड़ने। फ्रेम है जो पूरा मेटल का है। राइट साइड में पावर बटन वॉल्यूम, नीचे की तरफ स्पीकर USB-C और यहाँ पे सिम विम का लगा रखा है। ऊपर की साइड पे भी स्पीकर और ये पता नहीं ये 2 छेद। मैं बता दूं कैमरा फोटो तभी अच्छी खींच पाता जब उसके अंदर मतलब थोड़ा सा जज्बा होना चाहिए ना। जज्बे के लिए इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 ऐड कर रखा है। फीचर की कोई कमी नहीं छोड़ी है उन्होंने, जो कुछ डाल सकते थे ना सब डाल दिए। डार्क मोड, कलर मोड, पिंक ब्लू ग्रीन सब कर लो। एंड्रॉइड वर्जन 12 डाल रखा है तो ऐसे 12 बजाने। बट हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई गेम कैसे चल रही। गेम बढ़िया चल रही तो भाई परफॉर्मेंस अपनी बढ़िया। काफी लोगों को पता नहीं है बात, बट जो कैमरा है ना आधा प्रोसेसर की वजह से चलता है, पता नहीं है लोगों के बाद। BGMI खेलेंगे, Ultra HD पे अल्ट्रा सेटिंग पे खेली जाएगी। भाई गेम तो बहुत तगड़ी चल रही है भाई। वैसे बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप या फिर जिटर या कहीं पे भी दिक्कत नहीं आ रही। पीछे की तरफ अभी ठंडा काफी टाइम से खेल रहे हैं, इसको गुस्सा नहीं आता ओनर को। भाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जो पीछे दिख रहा है ना, क्या ये भाई, इसकी टेस्टिंग करने के लिए मैं उतावला हो रहा हूँ भाई। इसमें जैसे कि देख सकते हो 1 कैमरा 2 कैमरा 3 कैमरा 4 कैमरा, ये बीच वाला काफी ज्यादा बड़ा है। 2 फ्लैश है और यहाँ पे एक सेंसर लगा रहा है, 3D TUF सेंसर है, मतलब 3D वीडियो में कुछ होता है काम। ये पोर्ट्रेट मोड में फोटो वोटो आपने लिए होंगे ना, तो एज एकदम मस्त बराबर हो जाते हैं, बाल वाल के हों चाहे बॉडी के हों। फ्रंट में भी 2 कैमरे, उसके बीच में एक सेंसर भाई ये वाला भी TUF सेंसर, इससे भी पोर्ट्रेट मोड भाई। फ्रंट में भी पोर्ट्रेट, बैक में भी पोर्ट्रेट, तब दिना दिन था। पहले फ्रंट की फोटो खींचेंगे भाई। ये एक्चुअली फोटो काफी तगड़ी आई है, मतलब इसमें जो डिटेल है चेहरे के ऊपर भी भाई काफी अच्छी है। चेहरा स्मूथ सा लग रहा है यार, इतना स्मूथ है नहीं चेहरा मेरा यार। ये देखो पौधे की फोटो खींचेंगे, ये देखो पौधे के सामने रख के फोटो खींची मैंने। फ्रंट में 1x है, वाइड में भी है, बहुत ज्यादा वाइड तो नहीं है बट 0.8x। देखो मैं फर्क दिखाता हूँ, ये देखो ये हमारा नॉर्मल है, ये 1x 0.8x और ये वाइड। ओ भाई ओ ओ ओ, ज़ूम करके भी भाई काफी डिटेल आई है यार। देखो जीवन में हमको जरूरत है अंधेरे की, बट फोन में थोड़ा जरूरत है, और ये मैं इसमें भाई क्या मस्त क्लैरिटी में दिख रहा हूँ, मजा ही आ गया भाई। ये एक्चुअली काफी तगड़ी है भाई, जैसे देख सकते हो फोटो के अंदर पता भी नहीं चल रहा अंधेरा है। नाइट मोड में भाई एक तो फोटो खींच ही लेते हैं यार, ये भाई पता चल रहा है अंधेरे में। हाँ भाई लाइटें तो है नहीं, सही फील आ रही है इसमें। टेक्सचर अक्षर भी दिख रहे हैं नीचे पेड़ इसके टेबल वेबल, और भाई फोटो में भी क्लैरिटी है भाई। क्या दिखा रहा है माधव भाई, कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सब्सक्राइब बटन थोड़ा ब्लरी आया बट आ गया। We have to become explorer. पानी की टंकी पे क्या हो रहा है भाई, 0.6x, ये 1x, 3.5x, पता भी नहीं चल रहा भाई क्या कहाँ एंटीना। 7x में हल्का दिख रहा है एंटीना, ये वाली वाइड में खींची इसमें एंटीना पता भी नहीं चल रहा, ये गुब्बारा अटकाया है कोई। जीवन में पोर्ट्रेट ना हो, फ्रंट में भी पोर्ट्रेट, बैक में पोर्ट्रेट, सब पोर्ट्रेट फोटो खींचेंगे। इसमें हमने ब्यूटी 0 कर दिया अभी, सही लग रही है यार फोटो। बैकग्राउंड में भी जो ब्लर है हल्का हल्का, और जो एज डिटेक्शन है वो भी काफी प्यारा सा लग रहा है, तो मतलब ये काफी नेचुरल सा ब्लर फील हो रहा है। फ्रंट में लेके देखते हैं भाई हम,
ब्यूटी का डोज लेके देखते हैं। ये क्या हो गया भाई? मैंने बचपन में बॉर्नविटा ज्यादा पी लिया था, चमड़ी गायब हो गई भाई। मैं खींची और इसमें भाई मानस के बाल वाल भी भाई एजेस सही बैलेंस कर रखे, मेरे बाल वाल में भी भाई एजेस, ओ भाई सही लग रहे। फोटो इस वाले स्मार्टफोन की थोड़ी सी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा चेहरा ना रूखा रूखा सा हो जाता, मतलब अगर सपाट करना तो बिल्कुल ही सपाट हो जाता, बट कलर्स और जो डिटेल है भाई डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल है भाई। टॉप के 3-4 फोटो की डिटेल में तो हो, मतलब वर्ल्ड तो बड़ी बात है भाई। मोड वोड तो सारे डाल दिए, मतलब पैनोरामा स्टिकर इकर मल्टी वीडियो ये हाई रेज वो हो। इस वाले स्मार्टफोन में काफी नेक्स्ट लेवल फीचर है, वो है 4K 10 बिट वीडियोस रिकॉर्ड करने का। ये ऐसा फीचर है भाई फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता। हमने यहाँ पे सिनेमा रेडी कर दिया, उसमें मूवी बनाएंगे। ये भाई का नया सेटअप है। मानस भाई हाउ आर यू? भाई क्या सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भाई। यो मेरे शेरो क्या हाल है? रैप वीडियो कमिंग सून। सिनेमैटिक मोड चालू होते ना भाई इमोशन आता है अंदर से। इसमें भाई काफी सारे मोड है, सन स्प्लैश वाला दे रखा है, इसमें अलग ही लग रहा माधव। ये फोकस वाला है, ये बबूरा डेजलिंग प्योर। लॉग मोड ऑन हो गया भाई, जिन लोगों को पता नहीं है जब लोग होंगे ना तो ये वाले मोड को ऑन करना है तो सही रहता। लोग जो भी होता हो ये तो नहीं होता होगा, बट होता क्या है कि इससे ना बाद में कलर ग्रेड करना है कुछ भी करना है एकदम सेट फुटेज आती है भाई। फोटो में भी ऑप्शन है, प्रो वाले में चले जाऊंगा ना मैं, रॉ मतलब कच्ची कच्ची खींचेगा, बाद में आपको गैस स्पेस को पकाना पड़ेगा। बट द बिग क्वेश्चन, क्यों चाहिए 6 कैमरे भाई? फ्रंट में भी 2, बैक साइड में 4-5, जरूरत है क्या भाई? हम कंपेयर कर लेंगे भाई। अब हमारे पास आ गए हैं 2 महारथी, ये वाला अपना आईफोन है, तो अब इससे एक एक करके फोटो खींच लेंगे भाई। एक नॉर्मल फोटो खींचते हैं, देखो पेड़ पौधों की खींचेंगे भाई। एक हमारी फोटो खींच, इसमें चेहरा थोड़ा फीका फीका सा लग रहा है, मतलब मैं विटामिन थोड़ा कम ले रहा हूँ ऐसा फीका, बट इसके अंदर थोड़ा सा येलोइश काफी नेचुरल सी टोन फील होती है आईफोन। बट अगर डिटेल की आप बात करो तो लाइक ये वाला हल्का सा बेटर बोला जा सकता है, पास से भी है ना। बट एक चीज अगर आप नोटिस करो, ये वाली फोटो काफी ज्यादा वाइड है, इसको थोड़ा और पास करके खींचता तो भाई डेफिनेटली इस वाले फोन में काफी बेटर डिटेल्स आती। बट ओवरऑल फोटो भाई पसंद पसंद की बात है। अगर मैं इसको स्विच कर लूँ, देखो ये जो यो-यो वाला पोज है भाई का, इसमें भाई थोड़ा सा स्किन टोन्स और ये सारी चीजें काफी अच्छे से बैलेंस करेगी भाई, दोनों में ही काफी अच्छे भाई। आईफोन सही लेता फोटो। इसके अंदर 12 पिक्सल के 3 कैमरे हैं, इसमें 64 64 50 50, क्या फर्क? मेरे कहने का मतलब ये ज्यादा कैमरे बढ़िया है, मतलब आईफोन को डेफिनेटली टक्कर दे रहा है और काफी सारे केसेस में बेटर भी परफॉर्म कर रहा है, पर मेरे हिसाब से यार थोड़ा सा ना ज्यादा हो गया। 3 सेंसर 4 सेंसर भाई फोन के अंदर हो और तीनों काफी अच्छा परफॉर्म करे, मेरे ख्याल से काफी तगड़ा रहता। हम 3 फोन सैमसंग, आईफोन और ऑनर को कंपेयर करके देखते हैं कि किसकी फोटो को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे भाई। ये कॉम्पिटिशन डेफिनेटली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फर्स्ट फोटो अच्छी है, कलर कॉन्ट्रास्ट मस्त, सेकंड फोटो अच्छी है, सेकंड फोटो अच्छी है, थर्ड वाली फोटो अच्छी है। तो फाइनली भाई ऑनर टक्कर तो दे रहा है, बट ये वाला जो टेस्ट था मतलब इसमें छोटे छोटे स्क्रीन पे दिखा रखा था। एक्चुअल अगर आप जूम इन करके देखोगे या फिर सोशल मीडिया पे डाल के देखोगे, हो सकता है इन तीनों में से कोई भी और स्मार्टफोन बेटर हो, तो थोड़ा सा मतलब तगड़ा टेस्ट नहीं है। बट ओवरऑल सॉफ्टवेयर और यूआई मेरे को थोड़ा सा वीक लगा। इस वाले स्मार्टफोन का प्राइस मतलब इंडिया में भी आ नहीं रहा, बट बाहर से अगर कन्वर्ट करके बताऊं तो 90,000 के अराउंड पड़ता है, और 90,000 के अराउंड भाई जो कैमरा है जो ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है डेफिनेटली काफी नेक्स्ट लेवल फील हो रही है। ऐसे नहीं बहुत सारे मोड्स हैं, बट जो मोड्स हैं वो एक्चुअल काफी तगड़ा काम करते हैं, और जो फोटोज हैं वीडियोज हैं डेफिनेटली काफी नेक्स्ट लेवल है। हमको काफी ज्यादा मजा आया उसको टेस्ट करने में, होपफुली आपको देखने में। चलो बाय। कनाडा तो लेके पंजाब ते अपना वर्ल्ड टूर है, टिकटा भी अपने बायो में आ जाओ सारे। कीप सपोर्टिंग माय फेलोज।